जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका दिव्य सृजन स्पिरिचुअल चैनल में। प्रत्येक दिवस की भांति आज भी रात्रि 9 बजे लाइव चर्चा लेकर हम उपस्थित हो गए हैं और आज भी चर्चा करेंगे कुछ आध्यात्मिक विषय पर जो चर्चा में चल रहा है। जैसा कि कल हमने आचार्य शंकर की जयंती मनाई, तो उनसे कई विषयों पर हम एक मुख्य विषय है अहम ब्रह्मास्मि। आज इस अहम ब्रह्मास्मि को समझने का प्रयास करेंगे कि अहम ब्रह्मास्मि क्या है और यह क्यों कहा गया है, किसको कहा गया है। क्योंकि समाज में ऐसी मान्यता है कि भाई अहम ब्रह्मास्मि, बाद में कुछ आलोचकों ने ये कहा कि भाई अहम ब्रह्मास्मि यह तो कहना ठीक नहीं है, मैं ही ब्रह्म हूं या मैं ब्रह्म हूं, ये बात थोड़ी जचती नहीं है। लेकिन अगर कहा गया है तो क्यों कहा गया है, ये बिना जाने आपको क्या जचती है और क्या नहीं जचती है इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बिना जाने, बिना समझे, बिना विषय को का स्पष्टीकरण किए, बिना उन परिभाषाओं को समझे किसी प्रकार की घोषणा करना अनुचित होगा कि यह गलत है या सही है। क्योंकि घोषणा करने वाले इस अहम का अर्थ ही गलत निकालते हैं। उनके हिसाब से अहम ब्रह्मास्मि कहने का तात्पर्य कि मैं ब्रह्म हूं, जैसे कोई व्यक्ति, साधारण मनुष्य, अपने आप को ब्रह्म कह रहा हो। कुछ ऐसी बात यहां पर निकल के आती है। परंतु यहां पर का यहां जो मैं है, यहां जो अहम है, उस अहम के रहस्य को जानना पड़ेगा कि वह अहम कौन सा अहम है। ठीक, वह अहम कौन सा अहम है, वह अहम कैसा अहम है, उसको जानना पड़ेगा। तो बिना उसको जाने, बिना उसको समझे किसी बात को गलत ठहराना, यह अपने आप में गलत धारणा हो जाती है, अपने आप में गलत धारणा हो जाती है। जैसे कि आजकल कोई कह देता है कि भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं, तो 33 करोड़ देवी देवता हैं यह आपने कैसे कह दिया, आपने कहाँ पढ़ लिया, किस ग्रंथ में पढ़ लिया, किस शास्त्र में पढ़ लिया, कहाँ पढ़ लिया कि भाई 33 करोड़ देवी देवता हैं। ठीक है, तो इसीलिए जब तक आपने उसके ऊपर अध्ययन नहीं किया, अनुसंधान नहीं किया, तो आप उस बात को गलत कैसे साबित कर रहे हैं। तो अगर आदि गुरु शंकराचार्य या बृहद आरण्यक उपनिषद में, जो कि याज्ञवल्क्य मुनि की के द्वारा कहा गया है, वो अगर वहां से अहम ब्रह्मास्मि लिया गया है, बृहद आरण्यक उपनिषद से अहम ब्रह्मास्मि लिया गया है, याज्ञवल्क्य ऋषि की वाणी है यह अहम ब्रह्मास्मि। शंकर ने, आचार्य शंकर ने, आदि गुरु शंकराचार्य ने उसे महावाक्य के रूप में लिया था। तो महावाक्य, वेदांत का महावाक्य है अहम ब्रह्मास्मि। ठीक है, सर्वखलमिदं ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म। ठीक, तो ये सारे वेदांत के, अद्वैत के महावाक्य कहे जाते हैं। तो अहम ब्रह्मास्मि का अहम क्या है, इसको समझना जरूरी है। क्योंकि जब आप मैं कहते हो कि मैं कुछ करता हूं, मैं आदमी हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं माता हूं, मैं पिता हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं मित्र हूं, मैं शत्रु हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अंग्रेज हूं, मैं अमेरिकन हूं, मैं चोर हूं, मैं डाकू हूं, जो भी है, कोई कहता तो नहीं कि मैं चोर डाकू अगर हो भी तो आप जब भी मैं कहते हो, तो यहां पर गलती अहम ब्रह्मास्मि की नहीं है, गलती आचार्य शंकर की भी नहीं है, गलती उन लोगों की है जिन्होंने अहम का अर्थ गलत निकाला, जिन्होंने अहम का अर्थ गलत निकाला। तो जिन्होंने अहम शब्द का अर्थ ही गलत निकाल दिया, तो उनके लिए तो अहम ब्रह्मास्मि का ही अर्थ गलत हो ही जाएगा। वो तो समझेगा कि भाई अपने आप को भगवान कह रहा है, अपने आप को ही सर्वश्रेष्ठ कह रहा है। ठीक है, तो वह ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ होने के साथ साथ सामान्य भी तो है। आपने सामान्यता का सिद्धांत कहाँ छोड़ दिया, ब्रह्म के ऊपर जो लागू होता है, सर्वव्यापकता का सिद्धांत, सर्वसामान्यता का सिद्धांत,
समता का सिद्धांत भी तो ब्रह्म पे लागू होता है, वो कहां छोड़ दिया। वही बात आ जाती है कि आपने ब्रह्म का कॉन्सेप्ट बिगाड़ के रखा। आप सोच के चलते हो कि ब्रह्म कोई चमत्कारी सत्ता है जो सब कुछ कर देगा, सब कुछ बिगड़ा बना देगा सारे चीजें। नहीं जी नहीं। हाँ, उसकी प्राप्ति से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, वो अलग बात है। उसकी प्राप्ति से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे, लेकिन वो आपके संसारिक दुखों को दूर करने आएगा। संतान नहीं है तो संतान देने आएगा, नौकरी नहीं है तो नौकरी देने आएगा। ऐसा सोचकर बैठे हो तो बहुत बड़ी गलतफहमी में हो। हाँ, आप अपनी योग साधना से, निधि ध्यासन से, अभ्यास से आप ब्रह्म उपलब्धि कर ले, ब्रह्म बोध कर ले, आत्मबोध कर ले, तो निश्चय ही वो आपके शाश्वत सुख और शांति का कारण बनेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। तो अहम ब्रह्मास्मि कोई अहंकार नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि कोई मूर्खता भी नहीं है, अहम ब्रह्मास्मि तो रहस्य है। आपने उस रहस्य को नहीं जाना। अहम ब्रह्मास्मि एक रहस्य है, और अहम ब्रह्मास्मि का रहस्य है अहम में। यह अहम शब्द क्या है? अगर श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुडाके सर्वभूताश्च स्थिता, अर्जुन मैं सभी भूत प्राणियों के अंदर आत्मा रूप में स्थित हूं, मैं धनुर्धारियों में राम, पांडवों में अर्जुन, छंदों में गायत्री हूं, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो सब कुछ तो अपने आप को ही कह रहे हैं। वृक्षों में पीपल हूं, तो क्या वो अपने अहंकार का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, घमंड का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, दंभ का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं? क्या आप ऐसा कहते हो? नहीं तो फिर एक बात बताइए, जब आदि गुरु शंकराचार्य ने अहम ब्रह्मास्मि कहा तो उसे आप कैसे कह सकते हैं कि वो अहम का प्रदर्शन है या यह भ्रमित विचारधारा है? कैसे भ्रमित विचारधारा है? क्या आपने उस पर अनुसंधान किया? क्या आपने उन तर्कों का अध्ययन किया जो आचार्य शंकर ने विवेक चूड़ामणि या मांडुक्य कारिका के अंदर प्रस्तुत किए? अगर नहीं किया तो फिर व्यर्थ है कोई इस पर चर्चा करना। यह वैसे ही है जैसे लोग आजकल 33 करोड़ देवी देवता पर चर्चा करते हैं, 33 करोड़ देवी देवता पर चर्चा करते हैं और फिर भ्रमित होकर पता नहीं कैसे भ्रमित हो जाते हैं। तो चलिए, देवी देवताओं का एक अलग कॉन्सेप्ट है जो कि हम कल लेकर आएंगे कल की चर्चा में, परंतु आज यह अहम समझना जरूरी है। जब तक अहम नहीं समझोगे तब तक यह भ्रम बना रहेगा कि अहम ब्रह्मास्मि कहना गलत है या सही है, अहम ब्रह्मास्मि कहना गलत है या सही है। तो आदि गुरु ने, आदि शंकराचार्य जी ने अहम जिस शब्द के लिए कहा है वह अहम कौन है, उसकी उसकी व्याख्या करने के लिए उन्होंने निर्वाणष्टकम लिखा। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम, न श्रोत्रे न जीवे न च घ्राण नेत्रे, शिवो हम शिवो हम शिवो हम शिवो हम। कि मैं कौन हूं, अपनी कौन सी अवस्था बता रहे? मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, मन बुद्धि से परे, अहंकार से परे, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ना मैं मन हूं, ना मैं बुद्धि हूं, ना मैं अहंकार हूं, ना मैं चित्त हूं, ना ही मैं चित्त हूं। तो इन सब से परे, क्योंकि इन सब का अस्तित्व जागृत अवस्था में है। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में मन विलास करता है, वहां विलासिता है, वहां वासनाएं हैं, वहां संकल्प है, विकल्प है, भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, सद्भावनाएं, ये सब है। परंतु इस स्वप्न जागृत और सुषुप्ति के परे जो तूर्य है, जो चतुर्थ अवस्था है, वास्तव में वही तो शुद्ध अवस्था है। इसलिए वही अहम ब्रह्मास्मि का अहम है, अहम ब्रह्मास्मि का अहम वही है। तो इसलिए इस बात को लेकर कभी संशय ग्रस्त ना रहे कि अहम ब्रह्मास्मि किसे कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि, जैसे कि एक पाश्चात्य का एक दार्शनिक हुआ रेने डिकार्टिस, कार्टेशियन थ्योरी देने वाले, जो गणित के छात्र रहे होंगे, जिन्होंने हायर लेवल पे गणित पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में या फिर 11th 12th में, तो उन्होंने भी कार्टेशियन थ्योरी का नाम सुना होगा। डिकार्ट एक मैथमेटिशियन थे, रेने डिकार्टिस एक मैथमेटिशियन थे, एक दार्शनिक थे, और उन्होंने एक तार्किक बात रखी, अपनी एक थ्योरी रखी, कोगिटो एर्गो सम, आई थिंक देयर फॉर आई एग्जिस्ट, क्योंकि मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं, क्योंकि मेरे सोचने में ही तो सब कुछ है, ये संपूर्ण संसार का अस्तित्व तो मेरे सोचने में है।
मेरे इमेजिनेशन में है। अगर मैं ही ना रहूं तो मैं इन सब बारे के चीजों के बारे में सोच नहीं सकता, इसलिए मेरा होना ही सत्य है, मेरा होना ही सत्य है, इस संसार का होना सत्य नहीं है, मैं हूं यही सत्य है। कुछ ऐसी बात डेकार्टिस समझाना चाहते थे, परंतु उनका जो यह मैं था वह मानसिक अहंकार था, वह मानसिक अहंकार था। यहां में यहां पर कहा जा सकता है कि यहां पर एक व्यक्ति जो सबको झुठलाकर अपने आप को ही सत्य साबित करने में लगा हुआ है, ठीक है, परंतु यहां अहम ब्रह्मास्मि में जिस अहम की चर्चा की जा रही है वो मानसिक नहीं है, वह लॉजिकल नहीं है, वह रीजनिंग से पैदा होने वाला नहीं है, वह तो निधि ध्यासन आदि क्रियाओं से नित्य साधना करते हुए, ध्यान आदि क्रियाओं को करते हुए जो अवस्था प्राप्त होती है, जो चतुष्पाद चतुर्थ अवस्था प्राप्त होती है, उस चतुर्थ अवस्था के लिए जो कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे है, त्रिगुणी माया से परे है, ठीक दंभ से परे है, द्वैत से परे है, तो जब वो द्वैत से परे हो गया तो उसके अंदर कभी भी अहंकार बोध तो आने का प्रश्न ही नहीं उठता, वो सर्वदा अद्वैत बोध से ही परिपूर्ण रहेगा। तो अद्वैत बोध को प्राप्त होने वाला, आत्म बोध को प्राप्त होने वाला, आत्मा की शुद्धिकरण करने वाला, विशुद्ध आत्मा का दर्शन करने वाला, साक्षात्कार करने वाला जो योगी है वह उस अहम की अवस्था में है। तो यह अहम ब्रह्मास्मि का जो अहम है वह कोई साधारण मैं नहीं है कि मैं ये हूं, जैसे मैंने कहा कि मैं डॉक्टर हूं, तो डॉक्टर होना आपका एक पद है, मैं इंजीनियर हूं, मैं प्रधानमंत्री हूं, तो ये सब आपके पद हैं भाई, आपकी प्रतिभा है, आपके पद है, मैं मनुष्य हूं, मुझे मनुष्य शरीर मिला है, तो ये आपकी जाति है, मनुष्य जाति में आपका जन्म हुआ है, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, यह सब आपका पद है, मैं प्रधानमंत्री हूं, मैं फलाना मंत्री विधायक सांसद हूं, तो यह सब आपका पद मात्र है, यह आप नहीं हो, यह तो क्षण भर के लिए है और क्षण भर के बाद यह खत्म भी होने वाला है, क्षणभंगुर है, यह शरीर भी नहीं रहने वाला, इसलिए आपने आपको मनुष्य कहना भी सही नहीं है, ये अनुभूतियां भी नहीं रहने वाली जो जागृत और स्वप्न की हैं, वह भी नित्य परिवर्तनशील है, इसीलिए तो कहा गया न बहिष्प्रज्ञा न अंतः प्रज्ञा न प्रज्ञान घन, कि न बहिष्प्रज्ञा न अंतः प्रज्ञा न बहिष्प्रज्ञा, न अंदर की ओर ज्ञान वाला न बाहर की ओर ज्ञान वाला, न प्रज्ञान घन ना ही ज्ञान संस्कारों को इकट्ठा रखने वाला सुषुप्ति अवस्था में, मैं वह भी तो नहीं हूं, मैं इन तीनों से परे जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे चतुर्थ अवस्था में विशुद्ध रूप में मैं वह आत्मा हूं, इन तीनों का साक्षी हूं, साक्षी भाव से इन तीनों को देखने वाला हूं, इस प्रकार से समझाया जा रहा है। तो इसीलिए जिज्ञासु हमें इस विषय पर विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि क्या कहा गया है। तो यहां जो आदि गुरु शंकराचार्य का जो अहम है वह अहम क्या है, वह अहम क्या है, वह अहम ही विशुद्ध अवस्था है, वह अहम ही साक्षी भाव है, वह अहम ही तुरीयावस्था है, ठीक है, तब जाकर अहम ब्रह्मास्मि है। तो यहां अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ मैं ब्रह्म हूं यह कोई अहंकार बोध से नहीं कहा जाता, कोई जबरदस्ती नहीं कहा जाता, इस यहां पर अहम शब्द का अर्थ ही कुछ और है, अहम शब्द का अर्थ मैं तो निकलेगा लेकिन साधारण मैं नहीं है वो, यह वो मैं है जो आत्मरूप है, जो आत्म साक्षात्कार से परिपोषित है, पोषित है, यहां पर कोई दूसरा विरोध काम नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का कोई तर्क काम नहीं करेगा, उस अहम के लिए अहम ब्रह्मास्मि कहा गया है, ना कि वह इंद्रियों के वशीभूत जो अहंकार पैदा होता है जिसे आप मैं कहते हो, तर्कों के वशीभूत जो अहंकार पैदा होता है जिसे आप मैं कहते रहते हो, वह मैं कहने के लिए यह अहम ब्रह्मास्मि नहीं है, मैं बड़ा धनवान हूं, मेरे पास ये ताकत है, मेरे पास वो ताकत है, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा, मैं ऐसा, तो इस मैं का अर्थ अहम यहां पर नहीं है, यहां जो अहम ब्रह्मास्मि है यहां अहम का अर्थ कुछ और है, ये स्वयं विशुद्ध आत्मा के लिए अहम शब्द का प्रयोग हुआ है,
जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे जो साक्षी भाव है उसके लिए अहम शब्द प्रयोग हुआ है, जो तूरी अवस्था है उसके लिए अहम शब्द प्रयोग हुआ है, ठीक है, ना कि इस संसार के लिए या फिर संसारिक मान प्रतिष्ठा या पदवी के लिए अहम शब्द का प्रयोग हुआ हो। तो ऐसा भ्रम ना पाले, ऐसे भ्रम में ना रहे। तो ये अहम शब्द है, तो अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम है वो रहस्यमयी है, उस अहम को समझ लेना है, उसी अहम के लिए कहा जा रहा है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाम। और जब उस अहम को जान लेंगे समझ लेंगे तो फिर भ्रम नहीं रहेगा कि भाई अहम ब्रह्मास्मि कितना कहना उचित है कितना अनुचित है, अहम ब्रह्मास्मि सर्वदा ही कहना उचित लगेगा। फिर इससे ऐसा कहने से कोई ब्रह्म का अपमान नहीं हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आप ऐसा कहते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि, इससे ब्रह्म का अपमान नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि यही सत्य है। लेकिन सत्य का साक्षात्कार तुरीय बोध से होगा, आत्मबोध से होगा, और वही महर्षि गौड़पाद अपनी मांडुक की कारिका में आत्मबोध के ऊपर जो उन्होंने बताया पिछले कल जो हमने चर्चा किया आत्मबोध के ऊपर, तुरीय अवस्था के ऊपर, तो वह चर्चा ही महत्वपूर्ण है। उसी से हमें स्पष्ट होता है अहम का भाव क्या है। इसीलिए समझना चाहिए अहम ब्रह्मास्मि, सुनना चाहिए उसके विषय को, उसके कॉन्सेप्ट को, तभी जाकर स्पष्ट होगा। नहीं तो हम साधारण मैं जो अहंकार है, जो इंद्रियों के कारण है, जो मन के कारण है, वह जो अहंकार हमें प्राप्त हो गया, जिसको लेकर हम हमेशा मैं करते रहते हैं, बच्चे गांव में इधर उधर खेलते रहते हैं, ठीक, क्यों? क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है? यह बचपना क्यों है? तो ये बालकों की जो अवस्था है उसमें अहम अहम, जैसे बालक गुड्डे गुड़ियों से खेलता है, इधर उधर भागता रहता है, इधर उधर दौड़ता रहता है, तो यह जो भागना दौड़ना उसका, गुड्डे गुड़ियों से खेलना कब तक है? जब तक वो बड़ा नहीं हो गया, जब तक वो युवा अवस्था में नहीं आ गया, जब तक वह प्रौढ़ा अवस्था में नहीं आ गया, ठीक है। तो जैसे ही वो प्रौढ़ा अवस्था में आ जाएगा गुड्डे गुड़ियों से खेलना बंद कर देगा। वैसे ही जब हमारी चेतना विकसित हो जाएगी, हम विशुद्ध चेतना की विशुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेंगे, तुरीय में चले जाएंगे, तो फिर वहां पर कोई शारीरिक अहंकार नहीं रहेगा, मानसिक अहंकार नहीं रहेगा। डेकार्ट का जो आई है वह एक अहंकार है, वह तार्किक है, वह रीजनिंग से आ रहा है, लेकिन यहां पर शंकर का जो अहम है वह रीजनिंग से नहीं है, वह योग से आ रहा है, वह निधि ध्यासन ध्यान योग से प्रकट होगा। जब हम अपनी चेतना को इतने सूक्ष्म स्तर पर ले जाएंगे, जब वह जागृत स्वप्न और सुषुप्ति से परे जाकर साक्षी भाव से इन सभी अवस्थाओं को देखेगा, जब ऐसी अवस्था आ जाएगी तो वास्तव में अहम से हम जुड़ेंगे। तो ये अहम ब्रह्मास्मि का अहम कोई साधारण मैं नहीं है, इसीलिए इसको लेकर यह भ्रम मत पालिए कि यह कैसी बात है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं ऐसा कहा गया। क्या यह मूर्खतापूर्ण नहीं है? क्या यह अज्ञानतापूर्ण नहीं? जी नहीं, बिल्कुल अज्ञानतापूर्ण नहीं है। आपको ऐसा लग रहा है तो यह निश्चय ही आपकी गलती है, आपके अध्ययन में कमी है, आपके शास्त्र अध्ययन में कमी है, आपके समझने में कमी है। तो यहां का अहम वह चतुष्पाद तुरीय अवस्था के लिए वह अहम शब्द का प्रयोग हुआ है, घमंड के लिए नहीं, अहंकार के लिए नहीं, स्वार्थ के लिए नहीं, ठीक है। तो इंद्रियों से परे की जो अवस्था है, ना अंतः प्रज्ञा ना बहिष्प्रज्ञा, वो अवस्था जो ना अंतर की ओर ज्ञान आदि जो स्वप्न में होते हैं ना उनके लिए, ना ही बाहर में जो ज्ञान आदि जो इंद्रियों से चरम चक्षुओं से होते हैं उनके लिए, इन सब के लिए इस अहम का प्रयोग नहीं हुआ है। यह तो तुरीय अवस्था के लिए हुआ है, योगी के लिए हुआ है, ठीक है। तो वो अहम ब्रह्मास्मि है, कहने को कोई भी कह सकता है, लेकिन अहम शब्द आत्मा के उस शुद्ध अवस्था के लिए हुआ है जहां हमें पहुंचना है, जिसे हमें प्राप्त करना है, ठीक है। तो जिज्ञासु, ये अहम का अर्थ है, इसीलिए इसमें हमें संशय नहीं करना चाहिए। चलिए धीरे धीरे देखते हैं आपके कमेंट्स क्या कहते हैं। बबीता धीमान जी, अपूर्व विश्वकर्मा, सुरेंद्र शुक्ला जी,
हरि ओम तत्सत। गोपाल शर्मा जी, सदाशिव शेटे, ओम नमः शिवाय। आपका विवरण और विश्लेषण मर्मग्राही होता है, लाभदायी है, धन्यवाद। आपका भी आभार जी। लाभ उठाते रहें और दूसरों से शेयर करके दूसरों को भी लाभ उठवाएं। गुरु जी, क्या कोई साधक जब सूक्ष्म बाधाओं का सामना कर रहा हो, इसका मतलब वह साधक हिरण्यगर्भ को पार कर रहा है, ऐसा अर्थ निकाल सकते हैं क्या? हिरण्यगर्भ को पार कर रहा, हिरण्यगर्भ में तो वो है ही, ऐसा नहीं कि वो हिरण्यगर्भ में नहीं, वहां वहां से तो वो जुड़ा ही हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, वहां से तो वह जुड़ा ही हुआ है, उसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। तो वह उसको पार कर रहा है? जी नहीं, हाँ उसको समझ रहा है, ऐसा कह सकते हैं। और बेहतर तरीके से समझ जाएगा तो निश्चय ही पार भी करेगा, और उन बाधाओं पर उसका नियंत्रण आ जाएगा, वो बाधाएं उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। ठीक। स्मिता सावंत जी, बलदाऊ नाथ, योगी जी, जगत नारायण जी, विक्रम सिंह, गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने राजा दशरथ जी के विषय में बहुत अच्छा समझाया। ठीक है जी। माधुरी कोले जी, आभार। तत्सत। ज्योति दत्ता, ओम नमः शिवाय। राम राम गुरु जी, प्रणाम। ईश्वर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, हर कोई यही दिशा में उचित प्रयास करके देवतल प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमारा पता, हमारा सत्ता ईश्वर से अलग नहीं। जी हाँ, मैं श्याम पिस्ता जी, ओम नमः शिवाय। भीम सिंह मैने जी, श्याम लाल तेरे जी, गुरुदेव को प्रणाम हो और शांति शांति शांति। योगेंद्र पंडित जी, किरण शर्मा जी, राम निवास, मीना जी, मनीष श्रीवास्तव, गुरु जी आत्मा को अचल और स्थिर कहा जाता है तो फिर बाह्य एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में कैसे आत्मा नहीं जाती है ना? ये तो पहले ही बता चुका है कि आत्मा मृत शरीर का त्याग नहीं करती, जीव करता है, जीव। और उस जीव के साथ भी आत्मा तो रहती है, क्योंकि आत्मा के आधार पर ही जीव बना है, शरीर भी बना है। ठीक। चंदूलाल साहू जी, अशोक गोयल जी, अभिषेक मंत्री जी, मॉडर्न योगी जी, सुनीता मोहंती, क्या मेडिटेशन, शांति मोहंती, क्या मेडिटेशन इज द ओनली वे टू एक्सपीरियंस हिम, और भक्ति भी दूसरी रास्ता है तो कौन सा रास्ता? भक्ति भी वही है जी, मेडिटेशन आप मत कहिए, ध्यान योग कहिए, मेडिटेशन का अर्थ बहुत अलग हो जाता है। ठीक। तो ध्यान योग के द्वारा, योगियों के द्वारा ही जाना जाएगा, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरा कोई रास्ता नहीं। और भक्ति में भी वही होगा, ध्यान योग भक्ति जब अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त होगी तो वो ऐसे ही ध्यान योग की अवस्था को प्राप्त कर जाएगी। मनीष श्रीवास्तव जी, गुरु जी जीवात्मा का मतलब जीव रूपी सेल्फ होता है या जीव प्लस आत्मा और मरने के बाद जीव रूपी सेल्फ दूसरे शरीर में जाता है या जीवात्मा? जी हाँ, जीवात्मा दूसरे शरीर में जाएगा, जीव रूपी सेल्फ हम उसको कह सकते हैं, कह सकते हैं। ठीक है। भूप सिंह जी, भरत पटेल, भूप सिंह खीचर, भारत, कमलेश उपाध्याय, रजनीश बर्फानी जी, गुरुदेव महात्मा जी, मैं ओम का जाप करता हूं, सहसों के द्वारा किया ही सही है। ठीक है, क्या करते हैं वो आप व्यक्तिगत रूप से चर्चा करेंगे तो ही बता पाएंगे। तत्दर्शु स्वरूपे, अवस्था नाम का अर्थ क्या है? स्वरूप में स्थित हुआ जाता है। ठीक है, स्वरूप में स्थित की अनुभूति कैसी है, साधना से ही पता चलेगी। आनंद की अनुभूति है, सत्य की अनुभूति है, सत्य का साक्षात्कार है। चित्रंजन बरुआ जी, गुरु जी प्रणाम।
यू आर द टेकिंग अस टू डेप्थ ऑफ ब्रह्म ज्ञान, थैंक यू वेरी मच। ओके, जरूर आप भी शेयर किया करें वीडियो को। भरत पटेल, गुरु जी मुझे नाद ध्वनि में ओम की आवाज सुनाई देती थी, अब नहीं सुनाई देती, ऐसा क्यों? व्यक्तिगत तो विषय है, चलिए कभी बात करेंगे तो आपको बताएंगे, ये समय समय की बात होती है। राजू पाल जी, चंदन कुमार जी, ईश्वर बारिक जी, अहम को लोग घमंड समझते, तो वो गलत परिभाषा लेके बैठे, तो क्या किया जाए? वेद को ज्ञान बहुत ही इंस्पायरिंग, ठीक है। मनीष पटेल, नीरज कुमार मिश्रा, चंद्रकला डिडवानिया, वैजनाथ कुशवाहा, वर्षा सचदेव जी, गोपाल शर्मा जी, राधेश्याम दीक्षित जी, बीइंग मेंबर ऑफ YSS रांची, आई स्टार्टेड मेडिटेशन, इन मेडिटेशन आई सॉ द ब्लू मिक्स येलो लाइट विथ नेकेट लाइट, वाज इट इल्यूजन? हाउ डिड यू सी इट? डिपेंड्स, इज इट इल्यूजन और नॉट, बट लाइट इज ए मीडियम, लाइट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन। ओके, जो भी लाइट दिखा वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है आपका, वो तो एक मीडियम, एक साधन है, एक इससे और आगे बढ़ना है। आत्मा मरते नहीं तो क्यों पिंड दान करते हैं गुरु जी? जीव के लिए करते हैं, जीव के लिए, वह जो जीव है, वह जो रिश्ता है उस जीव के साथ हमारा, उसके लिए पिंड दान करते हैं, ना कि आत्मा के लिए करते हैं, ठीक है। जिसके साथ हमारा रिश्ता था, आत्मा के साथ किसी का कोई रिश्ता नहीं, क्योंकि आत्मा भावातीत है, तो उसके रिश्ता होने का कोई मतलब ही नहीं उठता है, ठीक है। तो यह विषय समझ ले, तो फिर पिंडदान का विषय बहुत अलग है, वो भी हम समझ ले, वो तो पितरों के प्रति होता है पिंडदान, ठीक है। तो और मरते तो है ही नहीं, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पिंडदान क्यों करते हैं, तो पिंडदान भी तो क्या मरे हुए करते हैं? मरने के बाद जो बच गया उसी को तो पिंडदान किया जा रहा है, तो अगर वो है तभी तो पिंडदान हो रहा है, अगर वो होता ही नहीं तो पिंडदान क्यों करते, श्राद्ध क्यों करते, जरा सोचो। मरने के बाद वो है, उसका अस्तित्व है, भले वो शरीर में नहीं है, ऐसी मान्यता है, इसीलिए पिंडदान किया जाता है, इसीलिए स्नान आदि किया जाता है, ठीक है। नदियों के अंदर पिंडदान करते समय पक्षियों को दाना डाला जाता है, कौवों को, ठीक है। तो पिंडदान जो होता है, जरा खुद से विचार कीजिए कि पिंडदान किसके लिए होता है? जिसने देह त्याग दिया, वो उसकी है, वो उसका अस्तित्व है, तभी तो। हाँ जी, मोहित उपाध्याय जी, अहम डज नॉट मीन आई, इन अहम ब्रह्मास्मि अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बृहदारण्यक उपनिषद, बिल्कुल। आपको सुनने के बाद और किसी ज्ञान की ही आवश्यकता ही नहीं होगी, तो जरूर सुने और दूसरों को भी समझा दे, ठीक है, तो बहुत बड़ा अच्छा होगा, दूसरों तक भी पहुंचा दे, ताकि उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, बात समझ में आ जाए, ठीक। तो यहां पर यही है कि जो अहम है, तो हम ज्यादातर जो अहम कहते हैं अपने कामनाओं के लिए, अपने इंद्रियों से, इंद्रिय अनुभूतियों से हम अपने अहम को हमने बना रखा है, तो ये अहम अलग है और वो अहम ब्रह्मास्मि का अलग है, तो यह समझना होगा, यह समझ के चलना होगा, तभी जाकर यह विषय स्पष्ट होगा। ठीक है, तो इसीलिए अहम ब्रह्मास्मि जो कहा गया, आदि गुरु शंकराचार्य ने कहा या बृहदारण्यक उपनिषद में कहा जा रहा है, इसको लेकर भ्रमित नहीं होना चाहिए, या मैं ब्रह्म हूं इसके लिए नहीं कहा गया, ठीक है। ये कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं था कि मैं ब्रह्म हूं,
ब्रह्म, पहली बात तो ब्रह्म ही नहीं समझ में आता लोगों को, उनको लगता है कि ब्रह्म कोई ऐसी शक्ति है जो कुछ भी कर देगा, ठीक है, जो चुटकी बजाकर कुछ भी कर देगा। तो ब्रह्म कोई ऐसी शक्ति नहीं है, ब्रह्म तो तत्व है, ब्रह्म तो तत्व है। हाँ, उसी तत्व से सब बन रहा है, उसी में सब बिगड़ रहा है। जैसे समुद्र में समुद्र की लहरें उठती हैं, समुद्र में ही समाती रहती हैं, वैसे इस ब्रह्म में ही बहुत कुछ है। लेकिन वह बहुत कुछ का अस्तित्व भी इंद्रिय जगत में है। तुम इंद्रिय जगत से परे उतर जाओ, क्योंकि इंद्रिय अनुभूति सत्य नहीं होती, मिथ्या होती है। इसके ऊपर हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं, एक वीडियो है, टाइटल है उसका, अपवित्र वस्तु में भी परमात्मा है। क्या अपवित्र वस्तु में परमात्मा नहीं, ऐसे करके टाइटल है। आप उस वीडियो को जरूर 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 सुनिए। वैज्ञानिक ढंग से उसमें स्पष्ट कर दिया गया है कि इंद्रिय अनुभूति मिथ्या है, इंद्रिय अनुभूति सत्य नहीं है। तो जो इंद्रिय अनुभूति हो रही है उसके आधार पर अपने अहम को बोलोगे, अपने मैं को समझाओगे, तो वो अहम अहम ब्रह्मास्मि में इस्तेमाल नहीं हुआ। अहम ब्रह्मास्मि में जो अहम का प्रयोग हुआ है वह तुरी अवस्था के लिए, वो चतुष्पाद के लिए हुआ है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति से परे जो आत्मा की विशुद्ध अवस्था है, वहां पर जो आत्म साक्षात्कार होने वाला है, उस आत्म साक्षात्कार हेतु अहम शब्द का प्रयोग किया गया है, अहम ब्रह्मास्मि में, ठीक है। यह विषय स्पष्ट कर लेना चाहिए। भरत पटेल जी, गुरु जी आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा ही आसानी से समझ में आता है। जरूर लाभ उठाएं, अगर आपको अच्छा लगता है जीवन को बदलें और दूसरों को भी समझाएं। ईश्वर बाईक जी, शायद यही वेदांत है, वेद यानी ज्ञान का अंत, ठीक है जी। मोहित उपाध्याय, प्रभु जी ब्रह्म इज लॉर्ड विष्णु जी, नहीं ब्रह्म तत्व है, ब्रह्म तत्व है। हाँ, विष्णु उसकी अभिव्यक्ति है, ये कह सकते हैं उसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या उसका अभिव्यक्ति ही कहना उचित होगा। प्रत्येक वस्तु अभिव्यक्ति है, मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। तो विष्णु भी मैनिफेस्टेशन है जो पालन करता है, वास्तव में ब्रह्म का ही कार्य है। तो ब्रह्म का मतलब भगवान विष्णु, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा गया। ब्रह्म मतलब सर्वव्यापी तत्व जिससे सब उत्पन्न हुआ। ब्रह्म की दो संतानें, जड़ और चेतन, जड़ और चेतन से सब कुछ बना, अथर्व श्रुति ऐसा कहती है। तो ब्रह्म को विष्णु नहीं कहा गया, ब्रह्म को, हाँ विष्णु ब्रह्म तब कहोगे जब वो ब्रह्म को, क्योंकि वो जीवन मुक्त है, देवताओं में भी वो जीवन मुक्त है, अर्थात बाकी देवताओं की तरह वो बंधन में नहीं है। जैसे कहा जाता है कि देव योनि भी तो बंधन में है, 84 लाख योनियों में देव योनि भी तो आती है, लेकिन मनुष्यों में जो योगी हो गए, जो सिद्ध योगी हो गए, वह जीवन मुक्त हो जाते हैं। वैसे देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश नारद जी, देव ऋषि नारद और ऐसे कई हैं जो जीवन मुक्त हैं। तो वो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकते हैं, जगत कल्याण हेतु, धर्म रक्षा हेतु, धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामी युगे युगे, जो कहा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इस विषय को स्पष्ट कर लेना चाहिए। तो इसीलिए ब्रह्म क्या है, ब्रह्म तो सर्वव्यापी तत्व है, और आपकी आपकी चेतना की वह अवस्था जो चतुर्थ अवस्था है, वहीं जाकर आत्म साक्षात्कार होने वाला है, और उसी को अहम कहा गया है। अहम ब्रह्मास्मि का अहम वही है। तो इसीलिए इसमें भ्रमित होने की जरूरत नहीं है कि अहम ब्रह्मास्मि स्वयं को ब्रह्म कहा जा रहा है। भैया हम तो ये शरीर में मोह माया में फंसे हुए, हम कहां से ब्रह्म हो सकते हैं? आप ब्रह्म नहीं हो सकते, सत्य बात है, लेकिन जब आप ध्यान योग निधि ध्यासन करेंगे, योग करेंगे, तो निश्चय ही ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेंगे, अपने ही भीतर, कहीं बाहर नहीं। तो घट के भीतर ही तो है ना सब, मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। हाँ, कहा गया कि नहीं, अपना मूल पहचान। तुम हो कौन, कहां से आए, कहां है निज घर तेरा, तंतज कहां बसेरा, यही कारण तू भरमत डोले, तंतज कहां बसेरा, ठीक है। ऐसे कई बातें आदि गुरु शंकराचार्य भज गोविंदम स्तुत में ही कहते कि तुम हो कौन, ठीक है, ये जान लो जीवन के रहते हुए। तो ये जान लेना ही अहम ब्रह्मास्मि है। तुमसे अलग कोई सत्ता नहीं है, कोई ईश्वरीय सत्ता, कोई ब्रह्म सत्ता तुमसे अलग नहीं है, बस इतना ध्यान रखो।
वो किसी आसमान पर नहीं बैठा हुआ वहां से निर्णय ले रहा है, किसी को जन्नत में डालेगा किसी को दोजख में डालेगा, ऐसा कोई उसका इरादा नहीं है। तभी तो कृष्ण भगवान पंचम अध्याय के दसम श्लोक में क्या कहते हैं कि ना तो मैं कर्म का, ना कर्म फल का और ना ही कर्ता का सृजन करता हूं, इन तीनों का सृजन करता मैं नहीं हूं, ना मैं कर्म करवाता हूं, ना ही मैं कर्मों का फल देता और ना ही मैं कर्ता को बनाता हूं, मैं इन सब का निर्माता मैं नहीं हूं, ये तो सब कुछ प्रकृति के वशीभूत ही हुए जा रहा है। ठीक है, तो मैं क्या हूं फिर? तो कृष्ण क्या है अगर वो कर्म नहीं है, कर्म फल नहीं है, कर्ता नहीं है, तो वो क्या है? तो वो कहते हैं अहम आत्मा गुडाकेश, मैं सबकी आत्मा हूं, मैं सबकी आत्मा हूं। ठीक है, तो आत्मा तो भटकती है नहीं, भटकता जीव है अपनी वासनाओं के वशीभूत, अपनी कामनाओं के वशीभूत, अनेकों कामनाएं अनेकों इच्छाएं जो बनी रहती हैं उसके वशीभूत, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, लगा ही रहता है, लगा ही रहता है। ठीक है, ठीक, गोपाल शर्मा जी आप सत्य कथन करते हो इसीलिए बहुत बहुत समाधान मिलता है। मोहित उपाध्याय जी, प्रभु जी इट इज रिटन इन परम श्रुति एज कोटेड बाई माधवाचार्य। ओके, तुरी अवस्था है तो उसको अचीव नहीं करना है, अपने आप ही होती है, अपने आप तो बस ध्यान शुरू कीजिए ना, ध्यान योग शुरू कीजिए, जो होना है अपने आप ही होगा। हब्बू हंदुकर ग्रेटर नॉलेज, नमस्कार आदरणीय महोदय, का कार्यक्रम बहुत बढ़िया है। ठीक है जी, तत्व क्या है? ठीक है, अब थोड़ा सा विराम देंगे। गुरु जी मंदिर में क्या खोजने जाते हैं यदि सब कुछ अपने अंदर है, अपने भीतर है? मंदिर में हम सामाजिक धर्म को जागृत करने जाते हैं, मंदिर धर्म प्रचार का केंद्र है, मंदिर लोगों को समझाने का केंद्र है, मंदिर सामाजिकता का केंद्र है। ठीक है, तो मंदिर में जो हम जाने, मंदिर प्रेरणा है, मंदिर क्या है? प्रेरणा है, तो मंदिरों से हमें प्रेरणा मिलती है, हाँ मोक्ष नहीं मिलता, प्रेरणा जरूर मिलती है। ठीक, तो चलिए इसी के साथ आज की सभा को यहां विराम देंगे, जिज्ञासुओं लाभ उठाएं चर्चाओं का, और कल भी एक महत्वपूर्ण चर्चा, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा लेकर हम आएंगे कल भी। ठीक है, उससे जुड़े सामाजिक चर्चा होगा, अंतर्राष्ट्रीय चर्चा होगा, अंतर्राष्ट्रीय विषय पर चर्चा होगा। ठीक है, तो चलिए। वैजनाथ कुशवाहा जी, क्या देवता बंधन में है? कल बात करेंगे इस विषय पर, कल इस विषय पर चर्चा होगा। बहुत बहुत आभार आप सभी का जुड़ने के लिए, बनने के लिए। जरूर अगर आपको इस कार्यक्रम की श्रेष्ठता उचित लगे तो निश्चय ही शेयर किया करें, शेयर किया करें, और अनुदान में अगर आप कुछ देना चाहें, क्योंकि इन सब चीजों को लाने के लिए एक प्रक्रिया से, एक मेहनत से ही गुजरना पड़ता है, तो निश्चय ही अगर आप, तो डिस्क्रिप्शन में कई नंबर कुछ आप अगर सहयोग प्रदान करना चाहें तो अकाउंट नंबर वगैरह सब दिया रहता है, तो प्रयासरत हो सकते हैं। और देखिए, सहयोग प्रदान करना आप धन से करें चाहे ना करें, अगर आपको लगता है कि हाँ इस चैनल से और इस चैनल में दिए जाने वाली बातें और लाइव चर्चा 9 बजे जो दी जाती है उससे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं, तो प्लीज, हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या यही है कि लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं, पढ़ते हैं नहीं, वो मोटी मोटी वकालत की किताबें पढ़ जाएंगे लेकिन जब उपनिषद उठाएंगे, अरे ये तो इतना बड़ा कौन पढ़ेगा, वो बड़ी है ही नहीं, बड़ी है नहीं। ये देखिए साइज, ये देखिए, बस 9 उपनिषद इसके अंदर है, इशादी 9 उपनिषद, इतनी से साइज में आ गया। और वकालत की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ जाओगे, फिजिक्स केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ जाओगे, IIT की तैयारी करोगे इतना पढ़ने और हाँ ये बात है कि है तो इतना सा ही, लेकिन इतना गहन चिंतन है कि
यहां जाने के लिए भी मात्र पढ़ने से नहीं चला जाएगा, ठीक है, यहां जाने के लिए भी मात्र पढ़ने से ही नहीं चला जाएगा, यह भी एक समझने वाली बात, ठीक है जिज्ञासु। तो इसीलिए प्रयास करें, प्रयास करें लोगों को, क्योंकि होता क्या है कि हमारे धर्म के बारे में कोई विदेशी आकर बोलता है, अरे तुम्हारे यहां तो ऐसा है भाई, तुझे कैसे पता, क्या तूने शास्त्र अध्ययन किए हैं? अगर हम अध्ययन किए रहेंगे तो कोई व्यक्ति हमें बेवकूफ नहीं बना पाएगा, कोई व्यक्ति हमें अपने रास्ते से, अपने धर्म से हटाने का या विचलित करने का प्रयास नहीं कर पाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट समझने जरूरी हैं, शास्त्र क्या लिखते हैं वो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने बहुत जरूरी हैं आपके, कर्म कांड क्या है, पूजा पाठ क्या है, देवी देवता क्या है, ईश्वर क्या है, धर्म क्या है, ध्यान क्या है, योग क्या है, इन सब का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना जरूरी है। और जब तक वो क्लियर नहीं होगा तब तक लोग आपको मूर्ख बनाने में सफल होते रहेंगे, ठीक है, कोई कुछ भी आकर बकवास करके चला जाएगा और हम सोचेंगे कि भाई ऐसे बोल रहा है ये, हमारे धर्म के बारे में ऐसे बोल रहा है। अरे बोल क्या रहा है, तुम अपना कॉन्सेप्ट रखो, तुम अपना तर्क रखना जानो, तुम उत्तर देना जानो, पहले तो समझाओ ही पूरी तरह से, नहीं समझता है तो फिर अर्जुन बन जाओ, कृष्ण बन जाओ, ठीक है। तो चलिए, इसलिए विचारणीय है, ये तो कोई कुछ भी कह देगा और हम उसको स्वीकार कर अपने ऊपर लोड लेते रहेंगे, तो लोड नहीं लेना है अपने ऊपर, भारतीय धर्म दर्शन को, भारतीय धर्म साधना को सही से समझना है, सही से समझना है, बस वो बात समझ में आ गई तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ना आई तो टेंशन रहेगा, ना आई तो फिर गड़बड़ रहेगा, फिर तुम खुद ही स्वीकार कर लोगे, अरे हाँ भाई हिंदू धर्म में तो पाखंड है, हिंदू धर्म में तो ये गलत चीज है, खुद ही स्वीकार करते रहोगे, स्वीकार करते रहोगे, तुम्हारी समस्या ये है क्योंकि तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट नहीं है, शास्त्रों ने क्या समझाया ये तुम्हें पता ही नहीं है। तो शास्त्र अध्ययन जरूरी है, मात्र कथाएं सुनना और कथा कहानियों तक ही सीमित रहना ही नहीं, ये सत्य तो ये है कि जो राम कथा है, जो भागवत कथा है, उनका सही मर्म समझने के लिए भी कॉन्सेप्ट होने जरूरी। तो ये जो छह शास्त्र है हमारा, कौन कौन सा, मीमांसा, वेदांत, सांख्य योग, न्याय वैशेषिक, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स देते हैं, कॉन्सेप्ट्स देते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ विदा लेते हैं, बहुत बहुत आभार आप सभी का, जुड़े एक क्रांति लाएं, सिर्फ बैठे ना रहें, ये नहीं कि मैं बोल रहा हूं आप समझ रहे हैं, शेयर भी किया करें, ठीक है, ताकि लोगों के अंदर, समाज के अंदर जागरूकता आए, लोग समझें भारतीय धर्म साधना शास्त्रों को, नहीं तो फिर बस यूं ही जीवन बीत रहा है और बीतता जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए चलिए हम जो है आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते हुए कल फिर मिलते हैं 9 बजे, एक विशेष महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, विषय को लेकर, एक भ्रम को लेकर जिसे दूर होना जरूरी है, उसके प्रति आप जागरूक रहें, उसके भी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाएगा क्या है। तो चलिए, बहुत बहुत आभार आप सभी का, और निश्चय ही सनातन धर्म की सेवा में हम सब कुछ ना कुछ कर पाएं, सहयोग कर पाएं और इसको उत्कृष्ट कर पाएं, इसको विश्व मंच पर प्रतिष्ठित कर पाएं, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। बहुत आभार।